रद्दी वाला चैनल सब्सक्राइब करें और सुपर एश की वीडियो सबसे पहले देखें। सॉरी सर, को ये बताना तो मैं भूल ही गया कि प्रोफेसर खुराना यश के पास है। आओ देशद्रोही सुपरयास। यस मतलब तुम ही? हाँ, मैं ही सुपर यश हूँ। और ये बात तुमने अपने दोस्त तक को नहीं बताई? माफी चाहता हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। तो क्या न्यूज वाले सच कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई मेरे ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लग गया और मेरी सुपर पावर्स भी चली गई, और उस अंधेरे में उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण थी, वो तुम थे प्रोफेसर। मेरे दोस्त वो तुम ही थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इतनी बुरी तरीके से क्या जरूरत थी? ओए सरप्राइज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम नॉट गुड। यार दोस्ती भी इतनी छोटी मोटी बात चलती है? छोटी मोटी? चलो तुम्हारी सुपर पावर्स वापस लेके आए। तो देर किस बात की? पर उसके लिए मुझे मेरी लैब की जरूरत पड़ेगी। आप अपने ही लैब में हैं महाशय? मतलब तुमने मुझे मेरी लैब में किडनैप करके रखा है। आपको पता भी तो नहीं चला? हाँ मुझे पता भी नहीं चला। चलिए आइए। गॉन्ग ने तुम्हारे अंदर बहुत ही खतरनाक वायरस डाला है। तुम्हारे अंदर जो सुपर सेल्स हैं वह लगातार इन वायरस से लड़ने में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से तुम अपनी सुपर पावर्स यूज नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम्हें अपनी सुपर पावर्स लाने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। पर उसके लिए मुझे करना क्या होगा? बधाई हो, तुम्हारी 25% सुपर पावर्स वापस आ गई है। अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दुनिया के सारे देश उस चालबाज डोंग के साथ आज ही समझौता करने जा रहे हैं। जी हाँ, कोरोना के एंटीडोट के बदले सारे देश अपने एटम बॉम्ब उसके हाथ सौंपेंगे। भारत ने भी इस समझौते को मंजूरी दे दी है। खैर, उस खतरनाक डोंग को एटम बॉम्ब सौंपना, यही बात हुई कि हम अपना आज बचाने के लिए अपना कल, अपना भविष्य संकट में डाल रहे हैं। परंतु इस मजबूरी में सभी देशों को यह फैसला लेना ही पड़ेगा। आज कोरोना के एंटीडोट के बदले सारे देश अपने एटम बॉम्ब डोंग को देने जा रहे हैं, और मुझे उसे रोकना ही होगा हर एक हाल में। वैसे तुम्हारी 25% सुपर पावर्स वापस आ गए, उससे तुम्हारा काम बन सकता है। तो मैं जा रहा हूँ डोंग के पास। ये तो मैंने सोचा नहीं कि डोंग कहाँ पर होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक काम हो सकता है। क्या? जब मैं डोंग के बेस पे गया था तब मैंने उसके डेटाबेस से उसका पर्सनल मोबाइल नंबर लिया था। तो अब तुम उसके मोबाइल नंबर पर उसको धमकी भेजोगे, वो अपने आदमियों को हमारे पास भेजेगा, और तुम उनके आदमियों को पकड़ कर उसका पता पूछ कर डोंग को पकड़ लोगे। मेरे साथ रहते रहते काफ़ी चालाक हो गए हो तुम। अरे वही तो, मेरे साथ रहते रहते तुम बहुत होशियार हो गए। क्या मतलब? संगति का असर है। चलो मैसेज करते हैं। चलो गांव को मौत की धमकी भेज दी है। लगता है वो आ गए। तो अब क्या करना है? करना क्या है, अब धमाल मचाना है। तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अंदर से मदद कर देता हूँ। ये लो कैमरा, ये लो रिसीवर, इसके जरिए हम दोनों कॉन्टेक्ट में रहेंगे।
इनको तो आज मैं बताता हूँ कि सुपर यश क्या चीज है। ये क्या है? ए प्रोफेसर, प्रोफेसर! अरे यार गेट खोलो प्रोफेसर। प्रोफेसर गेट क्यों बंद कर लिए? मैंने कैमरे में पहले ही देख लिया कि भारी भरकम मशीनें आ रही हैं। अरे यार मुझको तो बता देना था। तुमको क्या बताना, तुम तो सुपर हीरो हो ना, जाओ। ओके, आई एम गोइंग टू फाइट। अभी तो मेरे पास पूरी सुपर पावर्स भी नहीं है। शिट! प्रोफेसर कुछ तो बताओ मैं क्या करूं। 25% सुपर पावर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता। वैसे मैंने तुम्हारी जेब में एक बंदूक भी तो रखी है। बहुत जल्दी बता दिया तुमने। लेवल वन के लिए यस, मैंने गेट खोल दिया, अब तुम अंदर आ सकते हो। आओ, आओ, आओ। एक तो मेरे ऊपर जब मुसीबत थी तो तुमने गेट बंद कर लिया और मुझे ताना सुना रहे हो। अरे क्या मारा है, क्या मारा उन मशीनों को, इतना सबको हरा दिया, वाह कमाल कर दिया एकदम, वाह। चलो ज्यादा मक्खन भी मारो, चलो ठीक है। क्या ठीक है? बड़ा प्लान बनाया था, गांव के आदमी आएंगे, उन्हें पकड़ेंगे, उनसे गांव का हड्डा निकलवाएंगे, निकालेंगे मुद्दा मशीनों से हड्डा। तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या मतलब? मतलब सीधा सा है कि मैंने उन मशीनों के अंदर से ये डिवाइस निकाला, इसको ट्रांसफॉर्म डिवाइस कहते हैं। इन्हीं के जरिए डोंग इन मशीनों को कंट्रोल करता था, और अगर अब इन मशीनों के ऊपर हम रिसर्च करें तो हमें डोंग का अड्डा पता चल सकता है चुटकी बजाकर। तो आओ डोंग का अड्डा पता लगाते हैं, चलो। सुपर यस। सुपर यश मुझे हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। शिट, प्रोफेसर इस मशीन को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने तुम्हारी जेब में एक धुआं बम रखा है, उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। वैसे तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, इस मशीन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने मेन टारगेट की ओर आगे बढ़ो। वैसे तुमने मास्क तो पहना ही होगा, नहीं तो बेहोश भी हो सकते हो। प्रोफेसर ये बात मुझे पहले नहीं बता पा रहे थे। चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। खत्म हो गया सुपर यश।